देखो अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए बात करें, किसके लिए बात करें बोलो, इक्वल टाइम के लिए, इक्वल टाइम के लिए बात करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़े थे, अगर दो वेलोसिटी है तो लिखना v1 प्लस v2 बाय 2, अगर तीन वेलोसिटी रहेगा तो करेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3, चार वेलोसिटी रहेगा तो आराम से कर लेगा, इसी तरह v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और बाय 4, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए, इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो अगर दो वेलोसिटी है तो लिखेंगे v1 v2 बाय v1 प्लस v2, दो के लिए बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम बात करें तीन वेलोसिटी को तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे v3 लिखना है, 3 v1 v2 v3 बाय v1, देखो नीचे कैसे लिखना, ऊपर में अगर दो वेलोसिटी आया v1 v2 तो दो स्टेप चला, नीचे तीन वेलोसिटी आएगा तो नीचे तीन स्टेप चलेगा, और दो दो के ग्रुप में क्या करेंगे, पहला देखो v1 को कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे v2 v3, v2 को कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे v1 v3 प्लस v3 को कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे v1 v2, इसी तरह चार के लिए कर सकते हैं, चार के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, 4 लिखेंगे, यहां लिखेंगे v1 v2 v3 और v4, ये कितना स्टेप चलेगा बोलो, चार स्टेप चलेगा, कितना के ग्रुप में, तीन तीन के ग्रुप में, क्या क्या करेंगे जल्दी बताओ, ये देखो ये पहला कैंसिल तो आएगा v2 v3 v4 प्लस दूसरा कैंसिल, ये दूसरा वाला कैंसिल करेंगे तो क्या होगा बोलो, v1 v3 v4 प्लस अगर तीसरा वाला कैंसिल करेंगे तीसरा वाला तो क्या आएगा बोलो, v1 v2 v4 और अगर चौथा वाला कैंसिल करेंगे तो होगा v1 v2 v3, इस तरह करके आप लोग हजारों तक का वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, हिसाब में मात्र 5 तक आएगा, कितना तक आएगा 5 तक, ठीक है।